नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगी पत्नी कल्पना सोरेन, सीएम हेमंत ने अटकलों को किया खारिज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गांडे विधानसभा सीट से पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के कयासों को खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की कोरी कल्पना करार दिया। सोरेन ने कहा कि इन कयासों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी के निकट भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना पूरी तरह से भाजपा की कोरी कल्पना है। उन्हें सत्ता सौंपने की अटकल भाजपा द्वारा गलत विमर्श पेश करने के लिए फैलाई गई है। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री को भेजे गए समन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक सरफराज अहमद के सोमवार को अचानक इस्तीफे से ये अटकलें तेज हो गई। विपक्षी भाजपा ने दावा किया है कि अहमद को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ताकि ईडी जांच से उत्पन्न किसी स्थिति में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ सके। लाभ के पद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद से सोरेन राजनीतिक विवादों में घिर गए हैं। सीएम हेमंत ने सातवें समन पर ईडी को भेजा पत्र। मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे सीएम सचिवालय का एक कर्मी पत्र लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचा। सीएम सचिवालय से आए कर्मी ने ईडी को पत्र सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम की तरफ से इस बार ईडी को जो पत्र भेजा गया उसमें कहा गया है कि वह एजेंसी के साथ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन पहले उन्हें यह बताया जाए कि आखिर एजेंसी उन्हें किस लिए बुला रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि समन की जानकारी उनसे पहले मीडिया तक पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। ईडी उन्हें बार बार समन कर रही है, जबकि उन्होंने सभी मामलों में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से पहले ही रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में एक बार फिर यह लिखा है कि एजेंसी का समन राजनीतिक से प्रेरित है और बार बार समन भेजकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन विधायकों की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अंतिम समन का मंगलवार को 2 टूक जवाब भेजकर सियासी जंग का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुधवार शाम को बुलाई है। यह बैठक शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर होगी। इस दौरान सोरेन विधायकों को वर्तमान सियासी हालात से अवगत कराते हुए उनके स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे, साथ ही विश्वास दिलाएंगे कि स्थिति नियंत्रण में है। इसी बीच सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच हेमंत सोरेन ने मंगलवार को शिबू सोरेन से भी मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार सीएम साथी दलों को बताएंगे कि कैसे सरकार गिराने की विपक्षी साजिश को गांडे विधायक का इस्तीफा दिलाकर फिर फेल कर दिया गया है। जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई या उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर राजभवन के निर्णय से विषम परिस्थिति बनने की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन के लिए मंत्री चंपई सोरेन, जोभा मांझी या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर विधायकों की सहमति भी ली जा सकती है। झारखंड के राज्यपाल बोले, जो गलत करेगा अंजाम भुगतेगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को चेन्नई रवाना होने से पहले राजभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि वे हमेशा यह कहते रहे हैं कि जो गलत करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि राजभवन की नजर वर्तमान हालात पर है, राज्यपाल ने कहा, राजभवन की नजर सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बद से बदतर हो रही है, जो चिंता का विषय है। यह पूछे जाने पर कि राज्य सरकार कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है, राज्यपाल ने कहा, ये बातें अभी यथार्थ नहीं बल्कि कागजी है। बता दें, अयोध्या में आयोजित समारोह में शामिल होने के सवाल पर कहा है कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित समारोह लोगों के लिए है, वह वहां जाकर प्रेरणा ले। राज्यपाल का अपना प्रोटोकॉल होता है, निश्चित रूप से मैं शायद उस दिन या उसके बाद अयोध्या जाऊंगा। नए कानून के खिलाफ झारखंड में सड़क पर उतरे चालक। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में झारखंड ड्राइवर महासंघ द्वारा हाता चौक 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए काला कानून वापस करने की मांग की। वहीं ड्राइवर ने कहा है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें, 1 घंटे तक हाता चौक जाम करने के बाद हल्दी पोखर पहुंचे एवं सड़क जाम कर वाहनों को रोका गया। झारखंड ड्राइवर महासंघ का कहना है कि इस तरह के काला कानून से ड्राइवर को काफी दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए की सैलरी में ड्राइवर काम करते हैं। झारखंड सरकार का नया मिशन, मोटे अनाज की खेती पर मिलेगी भरपूर प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार की ओर से मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे ज्यादा ज्वार की खेती के लिए किसानों को 11,250 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाजरा की खेती के लिए 10,500 रुपये प्रति एकड़ और मड़ुआ के लिए प्रति एकड़ 8,800 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें, राज्य सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। उक्त योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाबूलाल की नसीहत, हेमंत याद करे मधुकोड़ा सरकार का हश्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाने का फैसला परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित है। वे आनंद फानन में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस राजद झामुमो की मिली जुली मधुकोड़ा सरकार का जमाना याद करिए। मधु को रबर स्टाम्प बनाकर ऊपर के दलों के नेता, दलाल, बिचौलिया और कुछ अफसर सारा मधु खा गए। बेचारे नाम के मधु आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते, कोड़ा खाते घूम रहे हैं। बता दे, लूटपाट कर जमा की गई नामी बेनामी जमीन जायदाद केंद्रीय एजेंसी जब्त कर लेगी और नोट पानी दलाल बिचौलिए एक कुछ बेईमान अफसर हजम कर सारा माल देश विदेश ले जाएंगे। सीएम हेमंत ने माता पिता से मिल पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड में तेज हुई राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को इस संबंध में सूचित करते हुए बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया। राज्य सरकार में पार्टी कोटे के मंत्रियों को भी बैठक में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। बता दें, विधायक दल के बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में आरंभ होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों पर विधायकों संग विचार विमर्श करेंगे। बैठक में पार्टी की रणनीति पर भी विमर्श होगा। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्थान पर कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रांची में आज नहीं चलेगा ऑटो। रांची में लोगों को बुधवार को ऑफिस, स्कूल व कॉलेज जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजधानी में लगभग 8,000 ऑटो का परिचालन बंद रहेगा। दरअसल राजधानी में नए हिट एंड रन कानून को लेकर बुधवार को ऑटो का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। रांची जिला ऑटो यूनियन ने बुधवार को बंदी बुलाई है। बस परिचालन मंगलवार को बंद रहने से ऑटो लाइफलाइन था। राजधानी वासियों को सफर करने में ऑटो से राहत मिली थी, लेकिन अब बुधवार को ऑटो परिचालन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें, स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहुल यादव ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। साहेबगंज में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले के आरोपित दाहू यादव के बेटा राहुल यादव ने मंगलवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल यादव को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। राहुल यादव मामले को लेकर हाई कोर्ट में क्वेशिंग पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। हेमंत सोरेन जेल जाने के करीब बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब ऐसा लगा है कि वह जेल जाने के करीब हैं, तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए गांडे के झामो विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा कराया गया। बाबूलाल ने कहा है कि राज्य में एक बार फिर से संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति है। कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह पता है कि उनकी पत्नी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए उन्होंने झामो विधायक से इस्तीफा करवाया है। बाबूलाल ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम वक्त है और कोर्ट के उस आदेश के मुताबिक 1 साल से कम समय रहने पर विधानसभा उपचुनाव कराया जाना असंवैधानिक है। धनबाद में अचानक जोर की आवाज के साथ 4 घर जमी दोज। धनबाद स्थित कतरास क्षेत्र के लकड़का मोहल्ले में भूधसन में 4 लोगों का घर जमी दोज हो गया है। घर का सारा सामान जमीन के नीचे समा गया।
आधा दर्जन बकरियां जिंदा दफन हो गई। गनीमत थी कि समय रहते सभी लोग घर से बाहर निकल गए। पीड़ित राजेश भारती ने बताया है कि सुबह 6 बजे वे लोग बिस्तर पर ही थे, अचानक घर के अंदर दीवार फटने की आवाज़ आई। बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया लेकिन नहीं खुला। आनन फानन में दीवार फांद कर बाहर आए। उसके करीब 20 सेकंड बाद पूरा घर जमींदोज हो गया। देखते ही देखते राजेश साहब, राजेश कुमार भारती, दिलीप भारती और नारायण भारती के घर जमीन में समा गए। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा अगले माह न ले, टेंशन करे रिवीजन। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी महीने से शुरू होने वाली है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी कम समय बचा है। इस समय का सदुपयोग करते हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट जाना आवश्यक है। बचे हुए समय का सही उपयोग कर परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों को हर विषय में सभी टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे सैंपल पेपर तय समय में बनाने का प्रयास करें ताकि परीक्षा केंद्र में कोई स्ट्रेस नहीं हो। समय प्रबंधन और आत्मविश्वास सफलता के लिए आवश्यक है। बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपर स्टूडेंट और शिक्षकों ने कई अहम टिप्स भी दिए हैं, जिसमें अभिभावकों के लिए बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना, बच्चों के साथ रूटीन बनाने में मदद करना, बच्चों की पढ़ाई में नुक्स न निकालना, बच्चों के खान पान और सोने का विशेष ध्यान रखना। वहीं रिजल्ट पर अभी से चर्चा नहीं करने की सलाह दी गई है। हिट एंड रन कानून पर झारखंड चैम्बर की आपात बैठक। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हिट एंड रन के मामलों से निपटने के लिए हाल में बनी भारतीय न्याय संहिता में किए गए प्रावधानों से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए मंगलवार को चैम्बर भवन में आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में हड़ताल की स्थितियों की समीक्षा की गई। राजधानी रांची में हुई बैठक में मोटर व्हीकल कानून में हुए संशोधन के नए प्रावधान से ड्राइवरों को विचलित नहीं होने की अपील की गई। प्रेस वार्ता में चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि हम ड्राइवर बंधुओं के साथ हैं, इस मामले में संयम के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही संभवतः अप्रैल माह में यह कानून प्रभावी होगा। रांची पहुंचे जीए मीर, बोले शीर्ष नेतृत्व को झारखंड से बड़ी उम्मीदें। झारखंड के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। काफी खुशी की बात है कि झारखंड में आपकी सरकार है, इसलिए आप सभी नेता एवं कार्यकर्ता 4 गुना उत्साह के साथ पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करें और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर तैयार रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मंगलवार को 2 दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद मोरहाबादी के संगम गार्डन में झारखंड कांग्रेस द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने शिरकत की है। अर्जुन मुंडा आज खुट्टी को देंगे सौगात। ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाने वाले मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की बुधवार को उनके पैतृक गांव टकरा में जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर गांव में उनके समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मंगलवार को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के समाधि स्थल की साफ सफाई की गई। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सहित जिला प्रशासन की टीम उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को प्रमुख छोटराय मुंडा, वीडियो ज्योति कुमारी, जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। राजभवन में युवा संगम। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वे निश्चित रूप से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या व भगवान श्री राम के प्रति लोगों में आस्था है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में या फिर बाद में वे अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का अपना प्रोटोकॉल है, इसका निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। जल्द ही राज्य में बारिश हो सकती है। 4 से 6 जनवरी 2024 तक बारिश के आसार हैं। रांची, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 3, 7 व 8 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 3 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध, फिर आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड में 4 जनवरी से बारिश के आसार हैं। ट्रक चालकों के हड़ताल से झारखंड में गहरा सकता है घरेलू गैस का संकट। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक व अन्य वाहनों के चालक और संबंधित एसोसिएशन 1 से 3 जनवरी तक के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर, बोकारो व बरही स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। बता दें, इस हड़ताल के कारण बॉटलिंग प्लांट से 1 जनवरी को एक भी ट्रक पर न तो सिलेंडर लोड हुआ और न ही एक भी ट्रक प्लांट से बाहर निकले। हड़ताल जारी रहने और ट्रकों के डीलरों तक नहीं पहुंचने पर रांची सहित पूरे राज्य में घरेलू गैस का संकट गहराने की संभावना है। कल्पना सोरेन के विधायक बनने में कानूनी अड़चन, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने में कानूनी अड़चन है। वे मंगलवार को दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर कल्पना सोरेन को सीएम हेमंत मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो वह बहुत बड़ी गलती करेंगे। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सामने आता है तो भाजपा राज्यपाल से मिलकर यह मांग करेगी कि इस मसले पर कानूनी सलाह लेकर ही कोई कदम उठाया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने में 1 साल का समय बाकी रह जाता है और ऐसी स्थिति में कोई भी विधानसभा सीट खाली होती है तो वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। धन्यवाद।